प्रसव पीड़ा से तड़पती प्रसूता पूजा देवी के घर वालों से कहा गया कि इसके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। हालत ऐसी है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा है। वहीं प्रसूता का इलाज ANM मंजू कुमारी की देखरेख में ही चल रहा था। ANM और उसकी बेटी के कहने पर प्रसूता का ऑपरेशन कराने को राजी हो गए घर वाले। ऑपरेशन हुआ तो जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, पर जच्चा की हालत बिगड़ती चली गई, ब्लीडिंग होता रहा। यह ऑपरेशन ANM मंजू कुमारी की बेटी अनामिका दीप ने किया था। इल्जाम है कि वह डॉक्टर नहीं है, पर चाहे केस कैसा भी हो वह अपने नर्सिंग होम में जगह दे देती है। पूजा की हालत जब बहुत बिगड़ गई तब उसे हजारीबाग के कर्णपुरा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहां से रांची रेफर कर दिया गया, पर रास्ते में ही पूजा की मौत हो गई। वहीं दोनों दूध मुहे जुड़वा बच्चों की हालत भी ठीक नहीं है। पूजा की मौत होने की फैली खबर के बाद जन आक्रोश उबाल पर आ गया। गोल बंद होकर लोग सड़क पर उतर आए, नर्सिंग होम में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी। पूजा के पिता और स्थानीय कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि भोले भाले गरीब लोगों को अपने माया जाल में जकड़ लेती थी। पूजा की मौत के बाद दोनों फरार हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन का ही यह नर्सिंग होम चल रहा था। मौके पर पहुंचे बड़का गांव के थानेदार ने आक्रोशित लोगों को समझाया बुझाया। इस मामले में फरार नर्सिंग होम के संचालक माँ बेटी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सुने क्या बोले पूजा के ससुर और थानेदार। हमारी जो पुतो है सो गई थी, उसका परसों होने वाला था, तो उनके यहाँ गई अंजू देवी, यहाँ ट्रीटमेंट कराने गई। तो उसके यहाँ पहले भी ट्रीटमेंट चलता था, तो जब ट्रीटमेंट चलता था तो ट्रीटमेंट कराने गई, उसको परसों हो रहा था। तो उससे बात तो हुआ मंजू देवी से, लेकिन उसकी बेटी जो है उसको ईल है सो ऑपरेशन की, और गलत तरीके से की, पूरे तरह से लापरवाही से की है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा पुतोह का मौत हो गया। न्यू झारखंड हॉस्पिटल, हाँ उसका नाम था। बड़का गांव के ANM है मंजू कुमारी, हाँ मंजू कुमारी एक ANM है, अगले BHC में वर्किंग काम कर रहे हैं। बाकी उनका जो हॉस्पिटल चल रहा है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी उसकी एक बेटी है जो MBBS की हुई है, उसका उधर नर्सिंग होम है या क्लिनिक है। सर यहाँ कई कैसा जो है सो अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ आगे करवाई गई? हॉस्पिटल का जो है ना लाइसेंस जो इशू होता है या जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत वो सिविल सर्जन चार्ज करते हैं। कोहराम लाइव के लिए बड़का गांव से सुनील साहू की रिपोर्ट।